हमारे यहाँ एक थॉट ये है ना, बांग्लादेश सोच ही नहीं सकता इंसान। हमारे यहाँ तो ये सोच रहे हैं कि यार बांग्लादेश, लेकिन अब बांग्लादेश जो है ना वो बांग्लादेश हो गया, विच इज गुड, विच इज अमेजिंग। अगर आपको वहाँ से जॉब मिली है, अब ढाका में बहुत पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। एक पॉडकास्ट है और जो होस्ट है ये पाकिस्तानी मीडिया की है बेसिकली, और एक फीमेल है जो लड़की बांग्लादेश में भी काम करती हैं और वो पाकिस्तान में आकर वहाँ के हालात बता रही हैं। और वो कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो ढाका में टेक्सटाइल सेक्टर में काम करते हैं, जॉब करते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो फीमेल हैं बड़ी सेफ है, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके कोई ख़तरा नहीं है वहाँ पर। और जिस तरह से आपको पता है कि बांग्लादेश में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है और वहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर्स में फीमेल काम करती हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि जो उनका टेक्सटाइल का जो शोभा है, सेक्टर है, वो बड़ा मुख्तलिफ है, यूनिक है, और भी बहुत कुछ बताया जा रहा है इस वीडियो। बिल्कुल, और देखें उन्होंने ये बताया कि फीमेल जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी वहाँ पर किया जाता है। उनके लिए बहुत अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैक्ट्रीज़ में, जो वहाँ पे मिल्स हैं वहाँ पे मिलती हैं। इस वजह से जो देखें फीमेल्स को पाकिस्तान की ही नहीं, बल्कि ना ही इसमें टेक्सटाइल सेक्टर में, बल्कि पूरे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं। बल्कि देखें इंडिया की जो वुमेंस आती हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, लड़कियाँ आती हैं पढ़ने के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, वो भी बताती हैं कि हम बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हैं बांग्लादेश में, इंडिया से ज़्यादा। तो पहले वीडियो पहले हम चाहते हैं कि ये वीडियो देख लें, क्योंकि 4 से 5 मिनट की वीडियो है, हम इसको पहले देखेंगे, वो सारी कारगुजारी सुनाएंगी, वहां पर क्या क्या उनके साथ बीता, क्या हुआ, वो सारा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही है। बिल्कुल, खैर वीडियो बढ़ देखते हैं जी, वीडियो को कर लें जी सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक भी दे दिया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, एक और कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मजाक कर रहा हूं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बट ये कि हमें, मैं अक्सर बेशतर बात करता हूँ कि हमें बात करनी है अब एका मतलब दोस्ती, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। अब मेरे सामने जो खातून मौजूद है, मेरी एक दोस्त है, पुरानी दोस्त है, कराची आई है, वो ढाका में एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करती हैं, पहले वो कराची में काम करती थी। हम वो ढाका क्यों गई कराची से, और इस सारी जर्नी के हवाले से, पूरे कराची से वो ढाका ढाका गई टेक्सटाइल में काम करने। क्या क्या नाम है? हमारे यहाँ एक थॉट ये है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से मिलो, ये बंदे को वेकेशन पे भी जाना है तो यार यूरोप जाओ, बांग्लादेश सोच ही नहीं सकता इंसान। हमारे यहाँ तो ये सोच रहा है कि यार बांग्लादेश, लेकिन अब बांग्लादेश जो है ना वो बांग्लादेश हो गया, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब मुझे बताओ कि जो वीज़ा लगवाया है उसका मैं प्रोसेस थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, कि मैं एज अ पाकिस्तानी आई रियली वॉन्ट टू गो टू बांग्लादेश बाय द वे, ठीक है, जस्ट जाने के लिए, देखने के लिए, थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी और कुछ समझ आएगा, जो हम लोग बातें यहाँ पर कर रहे थे वहाँ जाकर थोड़ा सा फैक्ट चेक भी क्लियर होगा कि यार हम लोग यहाँ बात कर रहे थे तो वहाँ सच क्या है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, देन उनका, उनके कल्चर के बारे में, हमारा एक ही रीजन है तो आई रियली वॉन्ट टू नो एवरी थिंग अबाउट दैम, सीधी सी बात है। तो ढाका जाने का मेरा बड़ा दिल करता है, लेकिन मैं जा नहीं सकता, मुझे लगता है कि शायद विजिट वीज़ा अभी खुला नहीं है, है नहीं, तो तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़। सो द थिंग इज़ के इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू अ कंपनी, अगर आपको वहाँ से जॉब मिली है, अब ढाका में बहुत पाकिस्तान है, बिकॉज पाकिस्तान से बहुत लोग हायर करते हैं, स्पेशली इन द टेक्सटाइल एरिया, टेक्सटाइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बांग्लादेश का टेक्सटाइल इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, वो लोग एक्सपोर्ट में बहुत आगे हैं। आई डोंट हैव नंबर्स, सो आई कॉन्ट टेल हु इज फर्दर अहेड, बट वन थिंग इज अ फैक्ट के वहाँ के लोगों को यहाँ के टेक्सटाइल्स का एहसास है कि हमारा टेक्सटाइल एंड फैशन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में बारिश अगर हो जाए साल में एक आध दफ़ा, शहर डूब जाता है, इतनी सी बारिश होती है शहर डूब जाता है। कराची में तो कराची इज़ गॉन, ढाका में कुछ एरियाज़ हैं, देयर वाज अ टाइम वहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मानसून बहुत रहता है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि गर्म बहुत है, बारिश होती है ठंडा हो जाता है, फिर बारिश होती है फिर ठंडा हो जाता है। बट सो आई लिव इन गुलशन का एरिया, वो वहाँ का पॉश इलाका है, हाँ वो वहाँ का पॉश इलाका है, इट्स लाइक यहाँ का डिफेंस क्लिफ्ट, खूबसूरत है, बारिश तूफानी भी होगी ना 2 सेकंड बाद बाहर निकलोगे लगेगा कुछ नहीं, दैट वन थिंग।
दिस आई रियली अप्रिशिएट ओवर देयर. क्राइम रेट मेरे एक्सपीरियंस में और जहाँ तक मैंने देखा है कराची के आगे बहुत कम है. इट्स अ लॉट सेफर. मैं रात को 11 बजे भी जिम से अपने जिम के कपड़ों में पैदल घर आ जाती हूँ एंड मुझे इतना सा भी डर नहीं लगता. कितना दूर है क्या? 15 minutes walk is a lot. मैं आराम से चिल में चलती फिरती अकेले घर आ जाती हूँ. कोई खतरा नहीं. I don't feel the need कि यार मेरी चादर मेरे पास है कि नहीं. डू आई हैव अ जैकेट. डू आई नीड टू रैप माई सेल्फ अप इन समथिंग कि कोई आके हाथ ना लगा दे. नो वन इज गोना स्टेयर एट यू. मैं नकाब करके निकलूँ या मैं शॉर्ट्स पहन के निकल जाऊँ. नो वन इज आई डिस्कम्फर्ट नहीं फील होता बिकॉज पीपल आर स्टेयरिंग एट यू दैट. कंपेयर टू दैट वो एक साल जो मुझे वो कम्फर्ट मिला है ना जब मैं वापस आई हूँ. मेरी सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी. 8 बजे मैं अपने घर वालों के साथ नाश्ता करने उतरी. मैंने कहा मुझे हलवा पूरी खानी. आई गॉट अप एट अ रेस्टोरेंट एंड आई वॉज वेयरिंग माई स्वेट पैंट. आई वॉज वेयरिंग अ बैगी टी शर्ट बट द वे पीपल वर स्टेयरिंग एट मी. आई मीन आई फेल्ट embarrassed. Pakistan mein aate and I asked listen something wrong with my clothes because they're staring at me as if I'm not wearing clothes. What's going on? And I still feel so uncomfortable. I should not have to feel the need to cover myself for safety. That is one big issue. Wahan pe main is cheez ko bada appreciate karti hu chahe rickshaw wala ho chahe koi bhikari ho chahe koi padha likha banda ho wo mere kapdon pe comment kar bhi raha na to mere tak nahi aa raha. आप किसी 13 साल की बच्ची से भी पूछ लेंगे ना. Ask any female that exists in the country. बड़ा difference है ये. बहुत बड़ा difference है क्योंकि पूरे पाकिस्तान का problem है ये. पूरे पाकिस्तान. तो viewers आपने ये video देखी किस तरह से वो बता रही हैं कहकशा इनका नाम है और वो ढाका में टेक्सटाइल में एक मिल में काम करती हैं. फैक्ट्री एरिया है वहाँ पर. आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पर काम करने के लिए जॉब्स के लिए गए. बिल्कुल. अच्छा वो जो एक चीज़ बता रही थी उसने मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरान किया. आपको पता नहीं किया या नहीं किया? जी जी बिल्कुल. ये हैरानगी की बात है. बिल्कुल. वो कह रही हैं कि देखिए यार मैं जिम से जब जाती हूँ ना अपने घर में जिम के सूट में हाँ वो ही ड्रेस होता है तो मुझे कोई किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होती. कोई डर नहीं होता. कोई खौफ नहीं होता. कोई हैरिस करेगा या कोई कोई कहाँ देखे ना कोई मसला नहीं होता है. वो उन्होंने फिर सवाल किया क्या आपको कोई जुमलेबाजी या कोई मुंह से कोई इस तरह से. बिल्कुल. यहाँ पे होता है ना मोस्टली पाकिस्तान में कि जब कोई इस तरह फीमेल जा रही है माशाल्लाह कह दिया सुभानअल्लाह कह दिया इस तरह करके. ऐसा भी नहीं है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. वो कहती हैं मैं चाहे शॉर्ट में जाऊँ चाहे मैं नकाब करके जाऊँ मुंह ढांप के जाऊँ मुझे कोई टेंशन नहीं है. मैं आज़ाद हूँ और वहाँ पर ऐसा नहीं है. और फिर को क्राइम का चोरी का रेट भी बता रही है बहुत बहुत कम है, है. होने के बराबर है. बिल्कुल. कराची में हाँ. तो बहुत ज़्यादा है ना. कराची का अगर कंपेयर करें तो कराची तो बहुत ज़्यादा है. लेकिन देखें बांग्लादेश को देखें. अगर एक बंदा कहता है एक कंट्री कहती है कि बांग्लादेश बहुत सेफ है तो बंदा कहता है यार ठीक है सेफ होगी. दूसरा कहता है तो बंदा सोचता है ठीक है होगी. लेकिन सब लोग अगर ये कह रहे हैं तो फिर सोचने वाली बात है कि वाकई में सब लोग देखें. इंडिया भी कह रहा है इसमें. नेपाल भूटान बहुत सी लोगों के बहुत सी कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए. वो सभी स्टूडेंट्स भी तो कहते हैं ना कि बांग्लादेश हमारे लिए सेफ है. सभी फीमेल्स कहती हैं. अब पाकिस्तान रह गया था तो पाकिस्तान की फीमेल ने भी कह दिया कि बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ज्यादा सेफ है फीमेल्स के लिए. टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी बहुत ही ज्यादा ग्रूम कर चुकी है. दुनिया में दूसरे नंबर पर है. तो ये बांग्लादेश के लिए ऑनर की बात है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.